हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0। मैं प्रभात भाटी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप सभी को सुननी चाहिए। तो प्लीज़ पहली बात यही कि आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है। और मैं आप सभी को बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे भाई जो एयरफोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में यार आज मतलब एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन डाला है, नोटिफिकेशन के मैं कहूँगा कि एक बहुत ही खुशखबरी है जो हमारे एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एयरफोर्स ने आज एक सुनहरा मौका दिया है। वो सुनहरा मौका क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें प्लीज़। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आप सभी को बता दूँ, जैसा कि आप सभी को पता था कि अभी एयरफोर्स ने रेली भर्ती निकाली थी जो हमारे यूपी में नहीं आई थी, और अदर स्टेट जो वेस्ट स्टेट्स थे जैसे कि आप इसमें राजस्थान और आपके हरियाणा में भी ये रेली भर्ती एयरफोर्स की आई थी। तो भाइयों, उसके लिए हम अपने यूपी वाले जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा निराश हुए थे क्योंकि यूपी में कोई रेली भर्ती नहीं आई थी। तो यूपी के सभी कैंडिडेट्स के लिए, दिल्ली के सभी कैंडिडेट्स के लिए, और आपके बिहार के सभी कैंडिडेट्स के लिए, और आपके मध्य प्रदेश के सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके यूपी में भी एयरफोर्स की रैली भर्ती आ चुकी है। जी हाँ सर, आपके यूपी में भी एयरफोर्स की रैली भर्ती आ चुकी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मैं इसमें सभी को बता रहा हूँ कि इस रैली भर्ती में क्या प्रोसेस है, क्या चलने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किए। अभी सरकारीRESULT.com पर ये नोटिफिकेशन डाला है, एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर भी ये नोटिफिकेशन है कि आपके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, और आपके बिहार में, और आपके मध्य प्रदेश में एयरफोर्स की रैली भर्ती निकाली जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है। वही सारा रूटीन आपको फॉलो करना है जो अब से पहले जो रैली भर्ती निकाली गई थी उसमें किया गया था। तो वो सभी रूटीन क्या है, उसमें कौन कौन बच्चे, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपके यूपी में एयरफोर्स की रैली भर्ती आ चुकी है, बिहार में रैली भर्ती आ चुकी है, और आपके मध्य प्रदेश में भी, और आपके दिल्ली में भी। अब कहाँ कहाँ पे आई है, इसका सेंटर कहाँ है, कहाँ पे ये भर्ती होगी, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और इसकी डेट जो आपको एक ही दिन मिलेगा सिर्फ। तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि कभी सोचो कि 10 से 15 दिन हमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए, और वो डेट है आपकी 27 तारीख। जी हाँ, 27 नवंबर, यही 27 नवंबर, ये जो नवंबर आ रहा है 27, जो नवंबर अब चल रहा है, आज क्या 21 तारीख है आज, यानी कि आज से 6 दिन बाद 27 नवंबर को आपके एयरफोर्स के ऑनलाइन रैली भर्ती के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 27 तारीख को, 27 से 28 सिर्फ एक दिन। तो प्लीज़ इस डेट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पेंसिल में। आपके घर पे यदि कोई कैलेंडर है तो उसमें प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिएगा कि 27 से 28 तारीख आपकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन फिल करने के लिए यानी कि रैली भर्ती के लिए आपको क्या जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म होगा वो फिल होगा 27 से 28। तो पहली बात तो ये थी कि 27 से 28 तारीख को ये ऑनलाइन फिल होंगे आपके रैली भर्ती के लिए। और अब मैं बता दूँ कि किन किन राज्यों में ये रैली भर्ती आई है। तो मैंने अभी आपको बताया आपके दिल्ली में ये रैली भर्ती आई है, यूपी में ये रैली भर्ती आई है, और आपके बिहार में ये रैली भर्ती आई है, और आपके मध्य प्रदेश में ये रैली भर्ती आई है। अब आपके यूपी में कहाँ पर आई है, यूपी में ये है कानपुर में सर, कानपुर में रैली भर्ती आई है। तो आपके जो जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स थे सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी जिले का, कानपुर में आपकी यूपी मतलब कानपुर में जो रैली भर्ती आ चुकी है। जी हाँ सर, कानपुर में रैली भर्ती आ चुकी है, तो आप 27 से 28 तारीख में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं इसमें आपको बता दूं कि आप इसमें कितनी एज से कितनी एज तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सर, आप 2000, यदि आपकी उम्र 17 तारीख पहला महीना 2000 से लेकर आपकी उम्र 30 महीना 2003 है, तो आप जो ये रैली भर्ती है इसमें अप्लाई सकते हैं। और इसे आपको बता दूं, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वही फुल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके अब तक जितने एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ की अभी ज़रूरत होगी। जैसे कि आपका एक फ़ोटो लगेगा विद स्लेट वाला, और ये आपके आईडी प्रूफ लगेगा, और आईडी प्रूफ लगेगा आपको, और तो हाई स्कूल एंटर की मार्कशीट लगेंगी शायद। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इसमें लगेंगे। तो प्लीज़ यार,
इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना और हमारे चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको पल पल यानी कि एयरफोर्स जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन डालेगा ना तो उस साइट पे गिरने से पहले आपको हमारे चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 पर ज़रूर से मिल जाएगा। तो इस चैनल पर आपको सभी चीज़ मिलेंगी, क्या डेट आ रही है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब वैकेंसी आ रही है, क्या एज है, मतलब आपको सारा ब्यौरा जितना भी इस दुनिया का ब्यौरा है, मतलब जो जो जिस वैकेंसी में चाहिए आपकी एयरफोर्स के लिए, वो आपको यहाँ पे डिफेंस स्टडी 2.0 में मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको रूटीन भी बताया जाएगा कि आपको रेली भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये ज़रूर है, देखिए यदि मैं फेक लग रहा हूँ तो आपको मेरी साइड में दिख रहा होगा, यानी कि साइड में मैं लगा दूंगा कि अपने एक कैप्चर लगा दूं, या फिर आप sarkarresult.com क्लिक करिए, मतलब अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए या किसी भी फीचर्स ब्राउजर में जाइए और वहां पे sarkarresult.com सर्च करिए और वहां पे सरकार रिजल्ट की जो साइट्स हैं उसमें जो आपकी जॉब्स हैं जॉब्स में ऊपर ही आ रहा है कि एयरफोर्स रेली भर्ती रिक्वायरमेंट 2020, तो उसमें प्लीज़ यार ज़रूर से चेक करें। और यदि कुछ भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें, मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और सभी कमेंट्स के आंसर भी दूंगा, नहीं तो हमारी गूगल जो है गूगल पे हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल पे वो मैंने आपको चैनल के अबाउट्स में वो आपको दिया हुआ है, नहीं तो फिर मेरा नंबर है 7307302082250, आप इस नंबर पर कॉल करें या फिर मैसेज करें और आप मुझसे भी कुछ भी डिटेल्स यहां से ले सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी सारी जानकारी है वो सभी इस चैनल पर डाल दूंगा, जो भी जानकारी मेरे पास होगी वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ डिफेंस स्टडी 2.0 के साथ, और ये मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि यार ये जो अपने यूपी में भी जो इसकी रैली भर्ती जो है वो आ चुकी है, तो प्लीज़ यार तैयार हो जाइए मेरे सारे कैंडिडेट्स, मेरे सारे प्रिय स्टूडेंट्स, जितने भी आप सब हो आप सब तैयार हो जाइए अपनी रैली भर्ती के लिए। और इसमें आपका फिजिकल स्टेमिना देखा जाएगा, ना कि मेंटल स्टेमिना। मेंटल स्टेमिना एक अलग चीज़ है जो आपका पेपर क्रैक करने में आपकी मदद करता है, और फिजिकल स्टेमिना जो है वो आपका एक अलग चीज़ है जो आपको रैली भर्तियां, जैसे रैली भर्ती होगी आपकी या फिर आपकी आर्मी की जो भर्तियां होती हैं उनमें काम आता है। यानी कि आप सभी जानते हो कि फिजिकल स्टेमिना होता क्या है। फिजिकल स्टेमिना यानी कि जो हमारे शरीर से हमारी बॉडी है उससे जो काम किया जाता है वो होता है हमारा फिजिकल स्टेमिना, और हमारा मेंटल स्टेमिना होता है जो हमारे दिमाग से, यानी कि जैसे कि हम पेपर क्रैक करने में अपना मेंटल स्टेमिना यूज़ करते हैं, और फिजिकल स्टेमिना कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं अपना किसी जैसे भर्ती आ रही है तो भर्ती में आपको रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लीज़ अपने सभी जो एयरफोर्स के कैंडिडेट्स हैं वे क्या चालू कर दें, अपनी रेस जरूर से चालू कर दें। मेरे लिए मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, आपकी लगे यार जॉब लगे, मतलब अब आपके पास सुनहरा मौका है, अब आप इनमें से कोई भी ये कहने लायक नहीं है कि सर मैं अनपढ़ हूँ, मतलब मेरे दिमाग में नहीं घुसता। चल दिमाग में नहीं घुसता यार, अपना फिजिकल स्टेमिना यूज़ कर, दिमाग में तो नहीं घुसता, तू अपना फिजिकल स्टेमिना यूज़ कर और ये रैली भर्ती तेरे लिए निकालिए, बस ये सोच लिए कि ये रैली भर्ती तेरे लिए निकालिए और मुझे इसमें अब की बार जॉब लेकर ही रहनी है। तो भाइयों देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यार, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, जिनका हौसला बुलंद होता है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो आप अपने मन में बस ये सोच लीजिए कि मुझे निकालना है तो निकालना है, पेपर क्रैक नहीं हो रहा, चलो ठीक है पेपर क्रैक नहीं हो रहा, अभी मेरे पास जो ये रिक्वायरमेंट है कि मैं रैली भर्ती से अपना जॉब पा सकता हूँ। रैली भर्ती से जो बच्चे ना पाए वे भी निराश नहीं होने का, क्योंकि डिफेंस स्टडी 2.0 आप सभी के साथ खड़ा है, इसीलिए खड़ा है कि इसीलिए हमने अपना जो करियर है वो सब छोड़ के आप सभी के साथ लगे हुए हैं, वो इसलिए लगे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ना देख के आप सभी को देखना चाहते हैं कि यार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वे आगे जाएँ, ठीक है सर। तो हम आप ही सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और मैं आने वाली सभी जो हमारी नोटिफिकेशन है, जितने भी कुछ भी मेरे पास जैसे भी जानकारी आएगी वो सभी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 पर कुछ भी कमेंट करिए, आप इस वीडियो पर कुछ भी कमेंट करिए कि आपको कुछ मुझसे जानकारी लेनी है कुछ भी, या आपको कुछ मुझसे हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो मैं आपको करने के लिए वो हमेशा तैयार रहूँगा। तो प्लीज़ यार आपकी भर्ती आ चुकी है, चेक कर लीजिएगा अपना एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे जाके, फिर सरकारी रिजल्ट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, और फिर अपनी उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ में क्या क्या आपको करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ द लक ऑल एयरफोर्स कैंडिडेट, धन्यवाद।